हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे, हमारी जो टीम अभिप्सा है वो एग्जाम सीरीज चला रही है। इस एग्जाम सीरीज के अंदर आपको ऐसे टॉपिक्स कवर कराने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स हम लोग कराने वाले जो कि बोर्ड्स में 101% पूछा जाता है बच्चे, ठीक है। ये एग्जाम सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम सीरीज के अंदर पूरे के पूरे ओवरऑल सारे मैं फैकल्टीज की अगर बात करूं टीम अभिप्सा की, तो बच्चे सारे फैकल्टीज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने वाले हैं, जहां पे आप लोगों को पूरे जो PYQ से बेटे जो 8 से 10 साल जो पिछले बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जो यहां पे डील करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही साथ बच्चे ऐसे जो टॉपिक, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी यहां पे बात कर रहे होंगे जो कि इस साल आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पूरा समरी फॉर्मेट हम यहां पे देने वाले हैं। तो इस एग्जाम में जो भागीदार बनने वाले हैं बेटा, वो कौन कौन से जो बच्चे रहेंगे, तो मिशन 2023 के अंदर बच्चे जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट होंगे, वो इस जो है मिशन में भागीदार बन सकते हैं, वो इस मिशन में क्या कर सकते हैं बेटा, लाभ उठा सकते हैं। तो सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हुई। इस एग्जाम के अंदर, इस मिशन के अंदर ऐसे कौन से फैकल्टी है सर जो हमें यहां पे पढ़ा रहे होंगे, तो वो सारे फैकल्टीज बच्चे ऑफलाइन की जो टीम अभिषेक की जो बेस्ट फैकल्टी है, वो सारे फैकल्टीज आप लोगों को बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube में सारे कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स यहां पे बताने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, स्टार टॉपिक्स से मैं बोलता हूं वो टॉपिक यहां पे कवर करा रहे होंगे। तो इस प्रकार से बच्चे हमारी जो टीम अभी से पूरी की पूरी फैकल्टी आपके लिए पूरी यहां पे मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे आपको भी मेहनत करनी होगी, और केवल दो काम आपको यहां पे करने होंगे। पहला जो काम महत्वपूर्ण है बेटा, वो आप लोगों को जो है अपनी खुद के ऊपर मेहनत करनी होगी, अपने स्टडी के ऊपर बेटा मेहनत करना होगा, दम लगाना होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, कि आप लोगों को इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाना है। क्या करना है, अपने दोस्तों तक फैलाना है। जिन जो बच्चे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में होंगे, उन बच्चों तक ये वीडियो जानी चाहिए, उन बच्चों तक ये वीडियो जो पहुंचनी चाहिए, जो क्या पता हो सकता है उनको जो है बहुत जरूरत हो, ठीक है, उनकी पढ़ाई थोड़ी दिक्कत में चल रही हो, तो उन बच्चों तक ये वीडियो जो फैलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी काम बच्चे, आपको अगर जिन टॉपिक के अंदर, ठीक है, मैं यहां पे केमिस्ट्री लेने वाला हूं, अगर किसी भी फैकल्टीज के जो है टॉपिक के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, कोई भी चैप्टर से जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो बच्चा क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में जाएगा और वहां से जो क्या कर सकते हैं बेटा, कमेंट करके हमको ये बताए कि आपको किस चैप्टर के अंदर, किस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो वो दिक्कत को बेटा हमारी जो टीम अभिषेक पूरी की पूरी जो क्षमता करेगी, कोशिश करेगी, ठीक है, पूरी की पूरी बच्चे टीम अभिषेक जो है कोशिश करेगी कि उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है। तो जैसे कि सारे प्यारे बच्चों को मेरे पता है कि मैं यहां पे बच्चा कक्षा 12वीं का जो रसायन विज्ञान है वो लेने वाला, तो इसके अंदर बेटा दो लेक्चर हम लोग यहां पे कर चुके हैं, आज का जो लेक्चर है वो तीसरा होने वाला है, तीसरा लेक्चर हम करने वाले हैं। इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, अति इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो टॉपिक के बारे में यहां पे कवर कर रहा हूंगा। हम जो स्टार्टिंग है बेटा दो लेक्चर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो थे, जो कंसेप्ट थे, फंडामेंटल थे, बेसिक्स थे, वो सारी चीजें यहां पे डिलीवर कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं बेटा ठोस अवस्था के जो मूलभूत अवधारणाएं, जो फंडामेंटल थे, वो यहां पे कवर कर चुके हैं। अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं, क्रिस्टल जालक, इकाई कोशिका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यूनिट सेल, रिक्तिया, ये सब मैं छोटी छोटी चीजें के बारे में यहां पे डिस्कशन कर चुका हूं। संकुलन क्षमता क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा पैकिंग एफिशियंसी, ठीक है, इसकी जो समन्वय संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला बेटा चतुष्फल की रिक्तिया और अष्टफल की रिक्तियों के बारे में होने वाली है, जो कि बेटा मैंने आप लोग को बोला हुआ कि ये जो लास्ट के दो टॉपिक है आपके, ठीक है, ये जो लास्ट के दो टॉपिक है आपके लिए क्या स्टार टॉपिक है, इस टॉपिक से, ठीक है, ये जो दो टॉपिक है आपको चार नंबर, चार अंक दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, भले कुछ करो या ना करो, लेकिन ये लास्ट के दो और स्टार्टिंग है ये एक, एससीसी बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर, ये तीन टॉपिक आपको जो करके ही जाना है एग्जाम में, चैप्टर नंबर एक से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है, इतना सारा समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम जो है क्या कर रहे थे बेटा, रिक्तियों के बारे में जो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा जो ओवरव्यू लिया था कि रिक्तियां क्या होती है, इस लेक्चर के अंदर बेटा बात कर लेते हैं कि रिक्तियां जो है एक्चुअल में उसको डेफिनेशन के जो है फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान सुनो बच्चे कि क्या लिखेंगे, आयनिक क्रिस्टल में, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आयंस जो होंगे वो गोलाकार आकृति के होते हैं, जैसे कि अपन यहां जो लास्ट वाले लेक्चर में संकुलन क्षमता के जो लेक्चर था बेटा, वहां पे अपन ने बात किया था, और वहां पे हम गोले के आयतन के बारे में भी बात किया हुआ था, और आयतन निकालने के बाद जो संकुलन क्षमता थी, उस संकुलन क्षमता में अपन रिक्तियां भी निकाल लिए थे कि रिक्तियां कैसे जनरेट होती है, कैसे बनती है,
उसी रिक्तियों को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखो इसका डेफिनेशन कैसे लेंगे। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आयन्स जो होते हैं गोलाकार आकृति के होते हैं और गोले में संकुलित करने पर उनके मध्य में जो खाली स्थान बचता है खाली स्थान जो रहता है उसी को रिक्तियां बोलते हैं। किसी भी बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया होगा, ध्यान समझना, एग्जाम्पल देने आया होगा, एकदम मक्खन समझ आएगा आपको। ठीक है, देखना बच्चे, अगर बच्चे आपको पता है कि हम जो है सर, ठीक है, दिवाली में कभी भी पेंट लेने गए होंगे, क्या पेंट, पेंट का डब्बा, ठीक है, घर में पेंट करते हैं ना भैया, तो पेंट लेने गए होंगे। अब पेंट लेने जब गए तो पेंट वाला जो दुकानदार था वो क्या करता है, आप जो बहुत सारा पेंट लेते हो, एक कार्टून देता है, एक डिब्बा देता है, कार्टून देता है, उस कार्टून में क्या करते हो, सारे पेंट के डब्बे आप लोग भरते हो, फिल करते हो। ठीक है, जब वो पेंट को डब्बा को आप देखोगे तो वहां पे वो पेंट का डब्बा का शेप जो होता है वो गोलाकार होता है, गोलाकार डब्बा रहता है। ठीक है, उस डब्बे को कैसे करते, कार्टून के अंदर इस तरीके से फिल करते जाते हो। ठीक है, ऐसे ही फिल करते हो सारे बच्चे। ठीक है, अब इस तरीके से चार डब्बा आपने ले लिया, सपोज करो कि आपका एक कार्टून है, बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने चार पेंट के डब्बे रख दिए हैं। अब पेंट के डब्बे को इस तरीके से आप अरेंज करने के बाद आपके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक छोटा सा आपको यह गैप मिलता है, ठीक है, छोटा सा खाली जगह मिलती है, तो इसी खाली जगह को बेटा हम लोग बोलेंगे रिक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिक्ति, खाली जगह बोलेंगे। ठीक है, रिक्ति का मतलब होता है बेटा खाली जगह, खाली स्थान। ठीक है, सारे बच्चे फील कर पाए, सारे बच्चे जो है समझ पाए होंगे। अब देखो ये तो एकदम नॉर्मल से एग्जांपल है भाई, ठीक है, एकदम नॉर्मल से एग्जांपल है, कोई एकदम हाई फाई एग्जांपल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है भैया यहाँ पे। ठीक है, एकदम नॉर्मल से एग्जांपल है, आपको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे जो बेटा इसको बोलेंगे वाइड, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, खाली जगह बोल रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे आपको जो गोले दिख रहे हैं, जो पेंट के डब्बे हैं, इन पेंट के डब्बों को मैं बोलता हूं सॉलिड स्टेट की अवस्था में, क्या बोलूंगा बेटा, ये मेरे क्या है, अवयवी कण होंगे, ये मेरे क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। सारे बच्चों को पता चला? ठीक है, और ये जो डब्बा है पूरे का पूरा, ये मेरा एक आयनिक क्रिस्टल होगा। मैंने क्या बोल दिया, पूरा का पूरा जो बॉक्स होगा वो आयनिक क्रिस्टल है, और उस आयनिक क्रिस्टल में जो छोटे छोटे आपको डब्बे दिख रहे हैं, गोला दिख रहा है, ठीक है, जो अवयवी कण है वही क्या होंगे बेटा, अवयवी कण आयन्स होने वाले हैं, जिसको मैं सुसंकुलित कर दिया, रख दिया, और रखने के बाद मेरे को जो खाली स्थान बचा, उनके मध्य में जो खाली स्थान बचेगा वही मेरे क्या होने वाली है, रिक्ति होने वाली है। सारे बच्चे फील कर पाए, मजा आया पाया है? ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो गोलाकार आकृति के होते हैं, सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब रिक्तियां के बारे में हमको भी पता चल गया, रिक्तियां क्या होती है, अब रिक्तियां कितने प्रकार की होती है इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। रिक्तियां बच्चे तीन तरीके की होती है, कितने, तीन तरीके की। अगर मैं पहले की बात करूं, ठीक है, पहले यहां पे बात करें, रिक्तियां बच्चे तीन तरीके की होती है। पहला जो होता है त्रिकोणीय, पहला जो होगा त्रिकोणीय, पहला होगा त्रिकोणीय, दूसरा होता है बेटा चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, और तीसरा जो होता है बच्चा वो होता है, तीसरा जो होता है अपना अष्टफलकीय। जो कि आप लोग जो है सोच भी रहे होंगे कि सर अपन जो है सीधा डायरेक्ट क्या करें, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में पढ़ लें क्या, तो बेटा आप पढ़ तो लोगे लेकिन चीजें आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, पढ़ लोगे रट्टा मार लोगे। भैया हमारा काम रट्टा मरवाना नहीं है, ठीक है, हमारा काम कंसेप्ट समझाना है। अगर कंसेप्ट समझ आ गया, चीजें समझ आ गई, तो आप लोग बेटा इजिली चाहे लिख पाओगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखना, अगर भैया हम जो है त्रिकोणी की बात करें तो त्रिकोणीय रिक्ति के अंदर क्या होता है सर, त्रिकोणीय रिक्ति मतलब यहां पे त्रिकोण बनेगा क्या? जी बिल्कुल बच्चे, त्रिकोण बनेगा, त्रिकोण बनेगा। और कैसे बनेगा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो भैया, देख लो भैया इधर, अरे भैया देख लो थोड़ा सा, किधर ध्यान जाए आप लोग का। अब देखो, ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देख लो, ठीक है, एक सर्कल बनाए, ये अपना जो है दूसरा सर्कल, देखो ध्यान से, ये जो दूसरा सर्कल, ये दूसरा सर्कल, अब ये सर्कल क्या बताता है भैया अपन लोग को, अवयवी कण के बारे में जानकारी दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल है वो कौन से टाइप में अरेंजमेंट है, कौन से शेप में, बेटा त्रिकोण के रूप में ऐसे अरेंजमेंट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा पहला अवयवी कण, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखो त्रिकोण की तरह अरेंजमेंट दिख रहा है, और त्रिकोण की तरह अरेंजमेंट करने पर जो बीच में जगह बनने वाला है वो क्या होगा, रिक्ति होगी। क्या होगा बच्चा, रिक्ति होगी। सारे बच्चे समझ पाए? ठीक है, अब देखो इनके बीच में जगह कहां है सर, ये यहां पे बन रहा है बेटा लाल कलर में जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये होगी मेरी रिक्ति, ठीक है, जिसे मैं बोलूंगा वॉइड। अगर मैं कभी भैया वॉइड बोल दूं तो बच्चा कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है, वॉइड मैं बोलूंगा। ठीक है, सारे बच्चे फील कर पाए, मजा आया। ठीक है, और यही जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है बच्चे, ये एकदम बेस होता है। क्या होता है बेटा, बेस होता है, एकदम बेस होते हैं, नींव होती है। कैसे मैं बताऊंगा, ध्यान समझना, मजा आएगा। ठीक है, अब देखो त्रिकोणीय रिक्ति तो बनी, त्रिकोणीय रिक्ति अपन बनी, तो इनके बीच में जो खाली स्थान बच गया इसको रखने के बाद, सुसंकुलित करने के बाद, तो उसमें हम त्रिकोणीय रिक्ति बोलेंगे। अगर मैं इसको चतुष्फल की रिक्तियों में समझना चाहूं तो और कैसे समझ सकते हैं,
ध्यान से सीखना, ठीक है। अब देखो चतुष्फल की रिक्तियों की बारी आ रही है, ठीक है। चतुष्फल की रिक्तियों में जैसे कि नाम से पता है, चतुष्फल की रिक्ति में चार अव्यवी कर्ण मौजूद होंगे। क्लियर, मजा आया सुनने में। चतुष्फल की क्या बोले बेटा, चतुष, चतुष मतलब चार, चार अव्यवी कर्ण होंगे ही होंगे। कोई बच्चा लिख के आया भैया, क्या होगा, लिख के आ जाओ वर्ड में, चतुष्फल की रिक्तियों में चार अव्यवी कर्ण मौजूद होते हैं और उसकी व्यवस्था कैसे होती है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। कैसे होगी ध्यान से देखना भैया। अभी अपन अपन क्या पढ़े, अभी अपन जो है क्या पढ़े, एक जो है अपन को जो है त्रिकोणीय रिक्तियां मिली इस तरीके से। देखो भाई ये देखो त्रिकोणीय रिक्तियां। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति में, ठीक है, त्रिकोणीय रिक्ति में इस त्रिकोणीय रिक्ति का अरेंजमेंट जो है अपन यहां पे कर दिए। अरे भैया हट जा थोड़ा, आया लेट, ठीक है। अब वो अच्छा से, अब देखो इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर, ठीक है, इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अपन क्या कर देगा, एक और जो है गोला डालते हैं जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो कितने अव्यवी कण, चार अव्यवी कण सर, बिल्कुल कोई रट्टा नहीं मारना, ठीक है, चार अव्यवी कण। और चार अव्यवी कण का अरेंजमेंट कैसे हुआ, एक त्रिकोणीय रिक्ति बनी, सबसे पहली जो रिक्ति कौन सी बनी, त्रिकोणी बनी, एक त्रिकोणीय रिक्ति बनी, उस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अपन एक ठो और जो है अव्यवी कण रख दिए। क्या रख दिया, एक और अव्यवी कण, ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना, ठीक है बच्चे। देखो एक और अव्यवी कण यहां पर रख दिए। अब रखने के बाद मेरे पास इसके मध्य में एक बच्चा क्या मिलेगा, एक वाइड मिलेगी जिसे मैं बोलता हूं रिक्ति, एक वाइड मिलेगी जिसे मैं बोलूंगा क्या, रिक्ति, ठीक है। तो रिक्ति मेरे को मिलने वाली है, इसी को मैं बोलूंगा चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां। फील कर पाए, मजा आ पाया आपको, ठीक है, समझ पाए होंगे। अगर समझ पाया तो नीचे में लिख देना सर मक्खन समझ आया, कमेंट सेक्शन में जाना और लिखना, दो मिनट के बेटा वो वीडियो पॉज करना और लिखना कि मक्खन समझ आया सर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको जो अव्यवी कण के हिसाब से बताऊं, 2D में बात करूं या फिर 3D में बात करूं, तो अगर मैं इसको जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बात कर दूं तो वो कैसे होगा बेटा, देखो एक हमारे पास जो नीचे में दिख रहा होगा, अगर मैं इसको काउंटिंग करूं, ये मेरा एक, ये मेरा दूसरा अव्यवी कण, ये मेरा तीसरा अव्यवी कण, उस तीसरे अव्यवी कण के ऊपर ऊपर एक बेटा चौथा अव्यवी कण है, तो ये मेरा जो चतुष्फलकीय रिक्तियां उत्पन्न होगी। क्लियर सारे बच्चों को, समझ आया होगा, ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखो इस चतुष्फल की रिक्तियां ना उसको लिखते कैसे, एक्चुअल में एग्जाम्स के अंदर लिखना कैसे होगा हमको, ठीक है, दिखाता हूं भैया, सब्र करो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो त्रिविम ससंकुलित सुसंकुलित संरचना में पहली परत की, जैसे कि मैंने बताया पहली परत त्रिकोणीय रिक्ति की होती है, तो त्रिकोणीय रिक्ति के उस स्पर्श करने पर इनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उनके मध्य में क्या होगा बेटा, ऊपरी के ऊपर, त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर क्या होगा बेटा, गोलाकार जो है एक परत रखने पर या फिर जो है अव्यवी कण रखने पर, ठीक है, सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सारे बच्चों को, बनने पर जो रिक्ति बनती है उसी को चतुष्फलकीय रिक्ति अपन यहां पे बोल रहे होंगे, ठीक है बच्चा, बोल रहे होंगे। अब इस तरह के जो चारे कोणों के केंद्र को मिलाने पर ये क्या होता है बेटा, चतुष्फलकीय, सम चतुष्फलकीय केंद्र पर जो है एक रिक्ति उत्पन्न होती है, जाके यहां पे देखो ध्यान से, एक क्या बनेगा, सम चतुष्फलकीय बनेगी, सम चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर के बीच में एक रिक्ति होगी, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, चतुष्फलकीय रिक्ति। सारे बच्चों समझ पाए, समझ पाया, मजा आया, ध्यान से देखो, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, क्या कुछ विशेषताएं होती है, इस रिक्ति का जो आयतन होगा, उस ओवरऑल इस रिक्ति का पूरा जो आयतन होने वाला है वो कैसे होगा बेटा, एक अव्यवी कण जो है क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब इसका जो रिक्ति का आयतन है, इसके निर्माण में यूज किए जाने वाले, उपयोग में लाए जाने वाले गोले जो होते हैं ना अव्यवी कण, उसकी आयतन की तुलना में कम होता है। समझ आया, मजा आ पाया। अब देखो ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति के लिए क्या होता है बेटा, जो त्रिज्या अनुपात होती है वो 0.225 होती है, 0.225 होती है, क्या त्रिज्या अनुपात, समझ आ पाया। अब देखो बेटा जिसको CCP जो मैंने नहीं बताया, ठीक है, नहीं इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चे ये आपको अभी जानने की नीड नहीं है, ठीक है, आप अभी जो है अगर बेसिक से पढ़ रहे होते तो मैं ये चीजें डिस्कस करता, ठीक है, लेकिन आप अभी जो एग्जाम्स के पिक पॉइंट पे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, तो हम यहां जो बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ध्यान सुनना। जो CCP और FCC व्यवस्था में जो प्रत्येक गोला जो ऊपर और नीचे जो तीन तीन गोले के संपर्क में रहता है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया भैया कि प्रत्येक गोला ऊपर और नीचे से तीन तीन गोले के संपर्क में रहेंगे, कैसे संपर्क में रहेंगे, सपोज करो कि भैया ये मेरा जो है पहला दूसरा तीसरा है, तो ये चौथे गोले के साथ भी संपर्क में रहेगा, तीसरा, तो तीनों जो एक दूसरे के साथ संपर्क में, चारों के चारों जो अव्यवी कण होंगे एक दूसरे के संपर्क में होंगे ही होंगे। क्लियर, समझ आया। अब देखो चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या होती है बेटा, दो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती, कितने, दो चतुष्फलकीय रिक्तियां, कितनी बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे याद रखने वाली, दो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों के अंदर,
वो कैसे होती है मैं बताऊंगा, फील कराऊंगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो चतुर्फल के रिक्तों की जो समन्वय संख्या होती है सर, वो होती है चार। क्या होती है सर? चार। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो इसकी स्थिति को मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं, इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, आपको मजा आएगा समझने में। अब देखो अगर मैं चतुष्फल की रिक्तियों को बताना चाहूं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर ले सकता हूं, एससीसी स्ट्रक्चर, सॉरी बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर लिए अपन। अब देखो कि ये मेरा क्या है, घन है। ये मेरा क्या बच्चा? एक घन है। एक क्या बेटा? क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब है, अब क्यूब मेरे को पता है सर, दिक्कत नहीं है मेरे को, इतनी सारी चीजें आती है। अब बेटा इसके जो एक एक कोने पर एक एक अभिविकरण मौजूद है। ठीक है, एक एक अभिविकरण मौजूद है। अगर मैं यहां पे कुछ एग्जांपल देना चाहूं, ध्यान से सुनना समझना। हाँ चलो देखो, ये देखो, अब देखो ये मेरा जो है एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। सपोज करो कि ये मेरा एक क्यूब है, घन है सर, बिल्कुल सर, घन तो दिख रहा है अपन को। इसके एक कोने पर एक अभिविकरण, दूसरे कोने पर दूसरा अभिविकरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, उसके पीछे दो और, छह और सात, आठ। ठीक है, आठ अभिविकरण मिले। मिले सारे बच्चों को? समझ आ पाया? अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा बेटा? हाँ, अब देखो यहां पे मेरे एक अभिविकरण मिला। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एक अभिविकरण। ये जो अभिविकरण है ना बेटा, इसके पीछे वाले अभिविकरण जो आठवां अभिविकरण है, इससे इसको जो डायगोनल, ठीक है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, इसको विकर्ण कैसे होते हैं? एक अभिविकरण, मैं विकर्ण क्या बोलूंगा? ऐसे ही विकर्ण बोलूंगा ना, ऐसे विकर्ण बोलूंगा। अगर ये कण जो है इससे ऐसे इस तरीके से मिल रहा है तो इसको मैं विकर्ण बोलूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बॉडी डायगोनल होनी चाहिए। बॉडी मतलब सेंटर से होनी चाहिए, सेंटर से होके जानी चाहिए, तो इसको मैं बॉडी डायगोनल बोलूंगा। काय विकर्ण लिख रहा है ना इधर, काय विकर्ण की स्थिति के अनुसार। तो पहला जो तरीका होगा बेटा, पहला और एकमात्र तरीका काय विकर्ण की स्थिति के अनुसार, जिसे मैं बोलता हूं बॉडी डायगोनल। क्या बोलूंगा? बॉडी डायगोनल। अब देखो बॉडी डायगोनल, ठीक है, मजा आएगा, फील करना। ठीक है, ये यहां पे इस कोने पर लगाया मैं, इस कोने पे लगाया मैं। ठीक है, इस कोने को पकड़ के, याद रखना इस कोने को पकड़ा, एक और डब्बा लाते हैं तो मजा आएगा। देखो हाँ, अब देखो सपोज करो भैया कि ये मेरे जो है एक जो यूनिट सेल है, एक जो इकाई कोशिका, ये मेरा दूसरा इकाई कोशिका, इसको मैं जो टच किया, इस कोने को ले और इस कोने से मर्ज किया। देखो ध्यान से, इस कोने को इस कोने से मर्ज करूंगा, मतलब एक डायगोनल मेरे को लाइन खींचनी पड़ेगी, एक डायगोनल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, इस कोने को इस कोने से मैं मर्ज कर दिया। सपोज करो भैया कि ये मेरा ये वाला जो कोना है, जो रेड कलर से मैं यूज कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ये मेरा जो है एक कोना है। अरे भाई पेन चेंज हो जाए। हाँ ठीक है, अब देखो ये मेरा एक कोना है, इस कोने को मेरे को इस कोने से जो है मर्ज करना है। तो मैं एक लाइन खींच दूंगा, लाइन खींचते हैं अच्छे से, ठीक है, एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, अब देखो ये लाइन जो है इस तरीके से ऐसे मर्ज होगा बेटा। क्या होगा? इस तरीके से मर्ज हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से जब मर्ज होगा तो मैं इसको बोलूंगा बॉडी डायगोनल। क्या बोलूंगा बेटा? बॉडी डायगोनल। इसको मैं बोल दूंगा पूरा ओवरऑल बॉडी डायगोनल बोलूंगा। सारे बच्चे क्लियर हो पाए? ठीक है, अब बॉडी डायगोनल तो समझ आया, लेकिन सर इसमें अंदर रिक्तियां कैसे बनती है? ये तो मेरे को समझ आया बॉडी डायगोनल होता क्या है, लेकिन रिक्तियां कैसे बनेगी वो तो बता दो। तो बेटा जरा सबर करो, इतनी काहे हड़बड़ी कर रहे हो, ध्यान से सुनना बच्चा। ठीक है, देखो 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 इधर देखो भैया। ठीक है, अब देखो इस वाले जो कोने पे, ठीक है, इमेजिन करो कि सपोज करो भैया कि ये वाला जो मैं येलो कलर यूज कर रहा हूं, यहां पे मेरे को जो रिक्तियां मिल रही है, पहली रिक्ति है। अब ये क्या बेटा? चतुष्फल की मतलब फलक के बीच में बनेगी। ठीक है, चतुष्फल की मतलब फलक में बनेगी। देखो ये पहली रिक्ति बनी है, बॉडी डायगोनल लाइन पे बनी, ये लाइन पे भैया किसी भी फलक पे नहीं जा रही। ठीक है, फलक पे नहीं बन रही, फेस पे नहीं बन रही, सिर्फ लाइन पे बन रहेगी। अब लाइन पे जब बनेगी तो सपोज करो भैया कि इसके ऊपर ऊपर वाला जो फलक है, जो आपको जो है देखो ध्यान से, ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक, इसके सेंटर पे एक पॉइंट ये होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये होगा। अब बेटा ध्यान समझना कि इसके जो सेंटर है, ठीक है, डब्बा दिखाता हूं वापस से, समझ आएगा आपको। ठीक है, अगर सपोज करो कि ये आपका क्यूब है, क्यूब के इस सेंटर लाइन पे, इस पॉइंट पे आपको जो है क्या मिले बेटा? रिक्ति मिली है, रिक्ति कहीं पे बनी हुई है लाइन पे। अब सपोज करो कि इसके जो ऊपर वाला जो फेस है, इसके सेंटर पे ये सेंटर होगा, तो ये सेंटर मैंने लगा दिया। ठीक है, सेंटर पे अभिविकरण होंगे। अब इसके पीछे वाले जो फेस, ठीक है, इसके पीछे, इस डब्बे के इसके पीछे जस्ट, तो ये वाला जो, ठीक है, ये वाला फेस, तो ये वाला यहां पे बेटा एक मेरे को अभिविकरण इस तरीके से मिलेगा। क्लियर, समझ आई? ठीक है, अब देखो इस तरीके से जब है तो इसके इस वाले साइड पे भी सेंटर पॉइंट होगा, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। देखो जब इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा तो बेटा सारे फेजेस को अगर सेंटर पॉइंट को मिलाऊंगा तो इस तरीके से मेरे को अभिविकरण मिलेंगे। क्लियर, समझ आया? ये इस तरीके से बच्चे मेरे को जो है सारे जो है अभिविकरण के बीच में एक जो है क्या मिलेगा, एक जो है मेरे को जो है रिक्तियां मिलने वाली है, पहली रिक्ति। अब दूसरे की बात करते हैं, सेम केस बच्चा, अगर मैं यहां पर इमेजिन करूं कि ये मेरी जो है रिक्ति है,
ये मेरी क्या है, रिक्ति है। तो पहला वाला बेटा ठीक है सेम यहां पे ले जाते हैं। अब इस वाले फेस पे इसके जस्ट यहां अपन यहां पे बनाया था, अब इस वाले फेस मेरे को सेंटर पॉइंट देखो, सेंटर पॉइंट मेरा ये हुआ ठीक है। अब इसके सेंटर पॉइंट तो ये हुआ, अब बच्चे इसके नीचे में भी तो एक पॉइंट होगी, तो नीचे वाली क्या होगा ये हो सकता है। अब इसके सामने बचा हुआ है, ये सामने में पॉइंट ले सकता हूं, क्या ले यहां पे देखो ये इस तरीके सामने मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूं। अब सेंटर पॉइंट लिया तो इनके बीच में भी मेरे को एक रिक्ति मिलेगी इस तरीके से, देखो ये ठीक है, ये मैं पहला रिक्ति, इसको अपन जो है दूसरे कलर में पेंट कर लेते हैं भैया। ये देखो ये मेरा पहला रिक्ति मिला और ये मेरा दूसरा रिक्ति मिला। तो समझ आया इसको मेजर कैसे करते हैं, अपन दो तरीकों से बात करते हैं ठीक है बेटा। ये इस प्रकार से हमको जो पहली रिक्ति जो इसके ऊपर वाले डायगोनल पे मिलती है, उसके नीचे वाले डायगोनल पे मेरे को दूसरी रिक्ति मिलती है। तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल बच्चे कि चतुष्फल की रिक्तियों में दो रिक्तियां होती है। कितने बच्चे, दो रिक्तियां होती है। सारे बच्चे फील कर पाए, सारे बच्चों को मजा आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना है। हमारे पास एक क्यूब है बच्चा, इस क्यूब में क्या होगा रिक्तियां अपन को ज्ञात करनी, तो रिक्तियों कैसे निकालेंगे, एक सेंटर पॉइंट पे जो है रिक्तियां एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। इस मानने के बाद बच्चे इसके ऊपर वाले फेज के अंदर एक सेंटर पॉइंट होगा जहां पे अव्यवीकरण मौजूद होंगे, उसके इस वाले साइड पे बेटा अव्यवीकरण आएगा ठीक है, उसके पीछे वाले बेटा उसके पीछे वाले जो फेज है वहां पे भी एक अव्यवीकरण होंगे, और चारों को जब सॉरी तीनों को जब मिलाएंगे तो उसके सेंटर में एक रिक्ति मेरे को मिलेगी। अब दूसरी रिक्ति की बात कर लेते हैं, अब दूसरी रिक्ति में क्या होंगे बच्चे, इसके जो इस वाले फेज पे आऊंगा तो मेरे को एक सेंटर पॉइंट पे बच्चा एक फेज के सेंटर पे एक अव्यवीकरण मौजूद होगा ठीक है, होगा एज्यूम कर लो होगा ठीक है। अब इसके नीचे वाले जो तल पे बेटा नीचे वाला फेज होगा वहां पे भी एक अव्यवीकरण होंगे, उसके सामने वाले फेज के अंदर भी एक अव्यवीकरण होंगे। तो इस प्रकार से मेरे को जब तीनों को मैं मर्ज करूंगा तो मेरे को इसके बीच में जो है खाली स्थान बचेगी, उसी को मैं बोलूंगा सेकंड रिक्ति, मतलब सेकंड चतुष्फल की रिक्तियां। तो इस प्रकार मैं ओवरऑल ये बोल सकता हूं कि जो चतुष्फल की रिक्तियों में दो जो है रिक्तियां उत्पन्न होती है। क्लियर, मजा आया, मक्खन, समझ आया सारे बच्चों को ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, कंफ्यूज आ गए होगे यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो वीडियो बच्चे आप वापस से रिपीट कर देना है, फिर से पढ़ना है, फिर से समझना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना ये भैया ठीक है। अब देखो अपन जो है अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेके जाते हैं, ये तो खैर चतुष्फल की रिक्ति, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूं ठीक है थोड़ा सा। अब अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल वाइड की मैं बात करूं तो आप लोगों ने बच्चा ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है जब कक्षा 11वीं में थे तो वहां पे संकरण पढ़ा होगा, क्या बच्चा संकरण पढ़ा होगा। अब संकरण जब पढ़ा था तो वहां पे एक एग्जांपल जो है सर ने दिया होगा आपको SF6 जो होता है ना बेटा वो क्या होता है, सर ने बोला होगा SF6 जो होता है ना बेटा वो क्या होता है अष्टफल की संरचना की होती है, लेकिन बताया नहीं होगा ठीक है, बताया नहीं होगा। तो आज अपन बताते हैं यहां पे कैसे होती है, देखना बच्चा SF6 की अगर मैं बात करूं तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर जो होता है ज्यामिति जो होती है वो होता है अष्टफलकीय रिक्तियों की तरह, सॉरी अष्टफलकीय होती है, रिक्तियों की बात करूंगा, अष्टफलकीय होती है। अब अष्टफलकीय जब होती है तो वो कैसे होती है मैं बताता हूं ध्यान से भैया। ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा होगा बच्चा वो हमारा एस होगा, क्या होगा एस होगा। अब इस एस के एक एक कोने पर ठीक है चार चार इसके कोने रहेंगे, तो इसका यहां पर एक जो है मेरे को एफ मिलेगा, ये दूसरा एफ, ये तीसरा एफ और ये चौथा, चार एफ मिले। इसके ऊपर मेरा बच्चा क्या होगा एक एफ मिलेगा, यहां पे भी एक एफ मिलेगा। अब देखो बच्चे इसको मैं यहां पे इस तरीके से मिला दूं तो मेरे को एक प्लेन की तरह दिख रहा है, किसकी तरह, एक प्लेन की तरह दिख रहा है, एक समतल की तरह दिख रहा है। तो समतल की तरह दिखा तो अपन बोलेंगे इसको अष्टफल की रिक्तियां। बच्चों को समझ नहीं आया 101% मैं बोल रहा हूं समझ नहीं आया, अभी फील कराता हूं ठीक है। चलो अपने पास सब जुगाड़ है बच्चा ठीक है, जुगाड़ बताते हैं कहां है जुगाड़ भैया। हाँ अब देखो ये मेरा एक फेज है, ये मेरा क्या है एक फेस सरफेस ठीक है समतल, ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये समतल जो दिख रहा है ना चारों फेरे पर, इस वाले कोने पे अपन को एक एफ मिलेगा, इस वाले पे दूसरा एफ, इस वाले पे तीसरा एफ, इस वाले पे चौथा है, चार एफ हुए, अपन को सिक्स एफ चाहिए ठीक है, एफ सिक्स चाहिए, तो अपन को चार एफ इस समतल पर प्लेन पर मिल गया। अब इसको मैं बेटा क्या करूंगा, इसे ऊपर लेके जाऊं और इस कोने में एक एफ फिक्स कर दूं, एक F फिक्स कर दूं, तो फिक्स करने पे मेरे को पांचवा F यहां मिला। अब इसको नीचे की तरफ भी मैं इसको लेके जाऊंगा तो यहां पे मेरे को छठवा F मिलेगा, इस प्रकार 6F हो गया, अरेंजमेंट हो गया। लेकिन यहां पे अष्टफल की मेरे को समझ ही नहीं आया सर, आठ जो है फलक कैसे हुए, समझना ठीक है। अगर यहां से मैं चीजें को छोड़ दूं, क्या कर दूं बेटा, यहां से इस फलक को से छोड़ूंगा तो यहां पे इस प्लेन के सामने मेरे को एक फलक दिखेगा, इसके साइड में बेटा राइट साइड पे एक फलक, लेफ्ट पे एक फलक, इसके पीछे भी एक फलक, तो यहां पे आठ फलक सॉरी चार फलक मिल गए। इसको नीचे करूंगा, चार फलक यहां पे मेरे को मिले। अब नीचे वाले की जो है रेस्पेक्ट में देखूंगा, नीचे वाले जो अव्यवीकरण एक एफ है ना, उस एफ के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो नीचे से भी मेरे को यहां पर एक फलक, इसके सामने एक फलक, इसके पीछे एक फलक और यहां पर
जो है दूसरा फलक, सॉरी चौथा फलक, तो नीचे चार फलक, ऊपर चार फलक, तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पे अष्टफलक जो है हमको मिल रहा होगा। सारे बच्चे फील कर पाए कैसे अष्टफलक होता है, ठीक है। अगर अष्टफलक फंडा आपको समझ आएगा ना बेटा, आपको मक्खन आने वाला, एकदम मजा आ जाएगा खरबंद में, ठीक है। देखो यहाँ पे आठ फलक समझ आए, ऊपर जो चार फलक होंगे, नीचे चार फलक होंगे प्लेन सरफेस, ठीक है। तो आठ फलक यहाँ पे बोलेंगे। तो इसी प्रकार बच्चे हम इस अष्टफलक के ऊपर बात करें तो पहले अष्टफलक समझ लें। अब अष्टफलक रिक्ति क्या होती है सर, वाइड क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती है, उस वाइड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अष्टफलक की अगर मैं बात करूं तो अष्टफलक ना बच्चा क्या होता है, इसमें एक गोला होता है सर, क्या होता है सर, अपन को पता है, ठीक है, अपन को पता है सर, बोल दो ऐसे भैया कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। ये देखो एक जो गोला रहेगा, इसके ऊपर भैया दूसरा गोला रहेगा संपर्क में, ठीक है, इस प्रकार से दूसरा गोला, इसका तीसरा गोला बच्चा इस तरीके से संपर्क में रहेगा, तो यहाँ पे तीन गोले मिलेंगे। हाँ सर बिल्कुल तीन गोले मिलेंगे, पर सर ना मेरे को ना कुछ डाउट हो रहा है, क्या बोले सर बच्चे, यहाँ पे मेरे को कुछ डाउट हो रहा है, क्या सर इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ। हाँ बच्चे बिल्कुल उल्टा कर दो, क्या होगा उल्टा कर दो, ये देखो ऊपर में दो बड़े गोले थे, इसको जो है छोटा सा ऐसे कर दो, ठीक है, ये भैया इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो ठीक है, इसके ऊपर में एक गोला लगा देता हूँ इस तरीके से, देखो हाँ ठीक है। अब इस तरीके से अरेंजमेंट करने पर पहले भैया हमको क्या मिला, पहले मैंने क्या बनाया, पहले एक त्रिकोणी रिक्ति बनाई, उसके ऊपर में दूसरा त्रिकोणी रिक्ति, वो भी कैसे विपरीत दिशा में। पहला कैसे बना था, पहला कैसे बना था बेटा, ऐसे इस तरीके से त्रिकोण बना था मैंने बनाया, एक एक कोने पर इस तरीके से अवयवी कण मौजूद थे, ठीक है। अब इसको जस्ट उल्टा कर दिया, मैंने क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद यहां पे मेरे को एक अवयवी कण, इसके ऊपर एक अवयवी कण, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, और इनके बीच में जो खाली जगह बचेगी, इसके बीच में जो खाली जगह बचेगी बेटा, उसी को मैं बोलूंगा अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति बोलूंगा, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्ति बोलूंगा। अब सर यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन अपन को ये हो रहा है सर, ये हो रहा है कि यहां पे अष्टफलकीय रिक्तियों में एक फेज में जो है अवयवीकरण मौजूद थे, लेकिन यहां पर मेरे को फेज ही पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को यहाँ पे फेज ही पता नहीं चलता। आपको वापस से रिपीट कराता हूँ बेटा, ध्यान समझना, मैं बोला ना सारे चीजें यहाँ पे कवर करूंगा, आपको बेसिक्स पूरा साथ में कवर हो जाएंगे, ध्यान से देखना। अब सोचो कि इस तरीके से जब अवयवीकरण अरेंजमेंट हुए, तो ये जो पहला वाला जो अवयवीकरण है, ये दूसरा अवयवीकरण, तो सपोज करो कि ये अवयवीकरण यहां होगा, दूसरा यहां पे होगा, तीसरा यहां पे होगा जो नीचे वाला, ये तीसरा और ये चौथा, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, तो चार जो है बेटा इस समतल में चार अवयवीकरण मौजूद हो गए, हो गए ना बेटा। अब देखो ये जो पांचवा और ये छठवा, पांचवा बेटा ऊपर में है, पांचवा कण जो है ऊपर में होगा, ठीक है, तो ऊपर में होगा, तो यहां पे चार जो एक पांचवा अवयवीकरण, इसके नीचे में छठवा अवयवीकरण, तो छह हो गए ना, तो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बना ना। अब मेरे को बताने की नीड नहीं है कि अष्टफल की कैसे बनेगी, इसके ऊपर में चार, नीचे में चार फलक, तो अष्टफल की हो गई। तो मैं बोल सकता हूं बच्चे कि ये जो अष्टफल की रिक्ति है जो इस तरीके से ही बनेगी। सारे बच्चों को समझ आया, एकदम मजा आया, ठीक है, मजा आया ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो भाई मजा आया, मेरे को भी मजा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं सर, लिखने के तरीके के ऊपर मैं अगर बात करूं तो लिखेंगे कैसे, देखो बच्चे अष्टफल की रिक्तियां का जो दो त्रिकोणीय रिक्तियों से मिलकर बनी रहती है, इसे छह गोले के द्वारा घिर जाती है। सारी चीजें मैंने बताया, छह गोले रहेंगे, कैसे घिरती है अपन यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब छह गोले के द्वारा जो बिंदु अष्टफलक के छह कोने पर, इसलिए मैंने बताया भैया छह फलक के कोने पर कैसे कैसे रहेगी, ठीक है। अब देखो अष्टफल की जो त्रिज्या अनुपात होता है ना बच्चे, वो क्या होता है 0.414 होता है, जो कि आपको याद रखना है, थोड़ी देर के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, क्या रखना है, याद रखना है 0.414 होता है। अब इसकी रिक्तियों की अगर मैं बात करूं, सॉरी स्थिति की बात करूं, तो स्थिति आप लोग मैं यहां पर बताऊंगा, ध्यान समझना, मक्खन समझ आएगा, ठीक है। देखो हाँ बच्चे, तो अब हम बात करेंगे पहले मेजरमेंट तरीके की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बेटा एफसीसी के काय केंद्र पर बात कर रहे थे, तो काय केंद्र बेटा बॉडी में के केंद्र पर एक रिक्ति होगी, क्या होगी, एक रिक्ति होगी, और रिक्ति यहां पे ध्यान से मैं आपको जो है दिखा दूं भैया क्या क्या होने वाला है। देखो बच्चे यहां पे मेरे को एक रिक्ति मिली, जिससे मैंने स्टार से भी दिखा दिया, ये स्टार बना के बता दिया, ये सपोज करो कि ये जो मेरा रिक्ति है एक वाइड है। अब वाइड तो है सर, वाइड समझ आ गया मेरे को, बिल्कुल समझ आ गया, मक्खन समझ आ गया। अब देखो यहां पर मेरे को जो बता दो कि काय केंद्र पर जो एलिमेंट है वो कैसे अरेंजमेंट होगा, देखो बच्चे ठीक है। हाँ अब बच्चा इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहां पर मेरे को एक कण मिलेगा, यहां पे मेरे को दूसरा कण, यहां पे मेरे इसके फलक पे तीसरा कण, इस वाले फलक पे मेरे को चौथा कण। सारे बच्चे को समझ आया चौथा कण कैसे मिला, ठीक है। अब बच्चा देखो इस चारों फलक को मैं इस तरीके से मिला दूं, ठीक है, तो मेरे को एक प्लेन सरफेस मिलेगा, प्लेन सरफेस मिलेगा कैसे, देखो बच्चे देखो ये प्लेन सरफेस कैसे मिला, ऐसे मिला, लेकिन ये प्लेन सरफेस जैसे भी दिखे है तो ना भैया, इसके एक कोने पर एक अवयवीकरण, दूसरा तीसरा चौथा, चार अवयवीकरण मेरे को प्लेन सरफेस पे मिल गए,
ठीक है, मिला कि नहीं मिला। अब देखो यहां पे मैं पांचवें और छठवें की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो सामने वाला फेज है बेटा, ये सामने वाला फेज है, इसको क्या करना आप लोग एज्यूम करो कि इसके इसके सेंटर पॉइंट पे ये जो इसका ये सेंटर पॉइंट होने वाला है। अब पीछे वाला जो फेज था, ये पीछे वाला जो फेज था जिसे मैं पेन चला रहा हूं, यहां से देखना इसके पीछे वाले फेज में भी सेंटर पॉइंट होगा, तो उसका सेंटर पॉइंट सपोज करो कि ये है, तो यहां पे बेटा ये इस तरीके से मेरे को जो है एक लाइन भी मिलेगी, एक लाइन भी मेरे को इस तरीके से मिलेगी। तो क्या हुआ बच्चा, यहां पे मेरे को समझ आया कि सर ये जो है ना जो ऐसे फेज पे मिला, ठीक है, इसके ऊपर मेरे को एक अभिकर्ण मिला, इसके नीचे एक अभिकर्ण, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं बेटा ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा अष्टफलकीय है। क्या बच्चे? अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय है। और इसके अंदर में जो खाली जगह बची गई बच्चे, तो इसी का मैं बोलूंगा अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलूंगा बच्चा? अष्टफलकीय रिक्ति। सारे बच्चे फील कर पाए? अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में बता दूं, ये तो खैर एकदम हो क्या हुआ, अपन डिटेल में जा गए। अब जो ओवरव्यू बताऊं, ओवरव्यू बता दूं तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। इस ये सपोज में सपोज करो कि ये मेरा पहला वाला जो अव्यवीकरण ये है, ठीक है, सपोज पहला वाला अव्यवीकरण ये है, दो त्रिकोणीय रिक्ति, दो त्रिकोणीय रिक्ति से मिलकर ही बनती है हमारी अष्टफलकीय रिक्ति। सपोज करो बच्चा त्रिकोणीय रिक्ति मतलब ये पहला कण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, ये चार अभिकर्ण मिले मेरे को। अब देखो इस चतुष्फलकीय रिक्ति में पहला जो कण था ये था, ठीक है, अब इसके जो पीछे भी देखो, ये मेरा जो पांचवा कण, ये छठवा और ये सातवा। अब सेम जैसे ये सामने है उसके पीछे भी एक अव्यवीकरण होगा, इसके पीछे भी एक अव्यवीकरण होगा ही होगा, समझ आया, होगा ही होगा। तो क्या होगा बच्चा, वो मेरा क्या होगा, आठवां अव्यवीकरण होगा। तो आठ अव्यवीकरण अपन को मिल चुके, अब आठों का जब मैं करूंगा अरेंजमेंट करूंगा तो उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी वही मेरा अष्टफलकीय रिक्ति होगा। सिंपल, मजा आया सारे बच्चों को, समझ आया? अब देखो आगे थोड़ा, ठीक है। अब दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं, ये था पहला तरीका, अगर दूसरे तरीके की बात करूं तो वो क्या होने वाला है, एफसीसी के किनारे के केंद्र पर। क्या बेटा? एफसीसी के किनारे के केंद्र पर कैसी स्ट्रक्चर बनता है? सर किनारे के केंद्र मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बच्चा, किनारे में भी हमको अष्टफलकीय रिक्तियां मिलती है, सेंटर में मिल गया। अब किनारे की मैं बात कर देता हूं, किनारे क्या बोलते हैं बेटा, ये कोर, ये देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं किनारा, ठीक है। इस किनारे के केंद्र पर जो हमको रिक्तियां मिल गई, और कैसे रिक्तियां मिलेगी मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। अब और सपोज करो बच्चा कि ये जो है मेरा, यहां पे अष्टफल की रिक्ति मिल रही है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, चलो ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दूं, ये देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इस तरीके से देखो, ठीक है, अब आई समझ आया, ठीक है। अब सपोज करो कि यहां पे भी एक अव्यवीकरण, ये दूसरा, यहां पे तीसरा, यहां पे चौथा, ठीक है। अब देखो ये मेरा पहला यूनिट सेल, ये मेरा दूसरा यूनिट सेल। अब पहला जो मेरे को जो है अव्यवीक जो रिक्ति है यहां पे मिल रही है, अब दूसरी जो रिक्ति बेटा वो मेरे को यहां पे मिलेगी, ठीक है, यहां पे मिल रही है। सपोज करो कि दूसरी रिक्ति अपन को यहां पे नहीं, अपन यहां पे नहीं लेते, अपन दूसरी रिक्ति यहां पे बात करते हैं, यहां पे मिल रही है। अब तीसरी रिक्ति बच्चे मेरे को यहां पे मिलेगी और चौथी रिक्ति यहां पे मिलेगी, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक सरफेस मिलेगा, इस तरीके से एक प्लेन मिला मेरे को। क्या मिला बेटा? एक प्लेन मिला वापस से मेरे को, एक प्लेन मिला। प्लेन जो है कैसे अरेंजमेंट होता है, समझ आया सारे बच्चों को? तो इस तरीके से मेरे को प्लेन मिला। अब प्लेन के ऊपर है बेटा ये जो एक अव्यवीकरण मौजूद है, इसके नीचे बच्चे एक अव्यवीकरण मौजूद है, ठीक है, एक अव्यवीकरण मौजूद है। तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूं इसके एफसीसी स्ट्रक्चर के किनारे पर भी अव्यवीकरण मौजूद, सॉरी किनारे पर भी अष्टफलकीय रिक्तियां मौजूद होती है। सारे बच्चों को समझ आया, मजा आया, एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पे सपोज करो, सपोज एज्यूम करना है बेटा, एज्यूम किनारे के केंद्र पर, ठीक है, किनारे के केंद्र पर कैसे बनेगी। अब बच्चे यहां पे देखो, यहां पे मेरे को इस सेंटर पॉइंट पे मेरे को एक जो है क्या मिलने वाला है, रिक्ति मिलने वाली है। क्या बस सर? रिक्ति मिलने वाली। तो क्या सर, मैं जो है ये सामने वाला जो फेज है होगा, यहां पे एक सेंटर पॉइंट ले लूं? बिल्कुल बच्चे, यहां पे एक सेंटर पॉइंट ले लो। इस वाले फेज में क्या सेंटर पॉइंट ले लूं? सर बिल्कुल बच्चे, आप ले सकते हो सेंटर पॉइंट। इसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा मेरे को, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा। इसके पॉइंट की बात करूं तो यहां पे मेरे को एक फेज मिलेगा, ठीक है, एक जो सॉरी सेंटर पॉइंट मिलेगा, सेंटर पॉइंट में एक अव्यवीकरण मिलेगा। इसके एक सेंटर पॉइंट में बेटा मेरे को एक अव्यवीकरण मिलेंगे। तो इस प्रकार मैं चारों को वापस से इस तरीके से मिलाऊं तो मेरे को एक प्लेन सरफेस देखने को मिलेगा। उस प्लेन सरफेस के बीच में बेटा, इस प्लेन सरफेस के बीच में मेरे को क्या मिला, रिक्ति मिली। इसी रिक्ति को मैं बोलूंगा बेटा अष्टफलकीय रिक्तियां। सारे बच्चे को समझ आ पाया, सारे बच्चे फील कर पाए कैसे चीजें होती है? ये तो कोई असफल की रिक्ति है, किसके बेसिस पे? किनारे के केंद्र के बेसिस पे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका मैंने यहां पे बता दिया, उस सारे जो किनारे के केंद्र पर इनकी सहभागिता कितनी होती है बेटा, 1/4 होती है। आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये 1+3=4 होगा, ठीक है। सारे बच्चे समझ पाए, मजा आया सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एनएसएल की स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी गजब तरीके से मैं बोलूंगा, ठीक है। देखो एनएसएल की स्ट्रक्चर हमको जो है पढ़ना है, और अच्छे से ही पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखना। एनएसएल का स्ट्रक्चर, एनएसएल में जो स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है,
क्या होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर हो रहा होता है। अब एफसीसी स्ट्रक्चर होता है तो हमको पता है सर एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। अभी एफसीसी स्ट्रक्चर है सर, बिल्कुल एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो क्या सर यहां पे मेरे को अष्टफलकीय रिक्तियां को देखने मिलेगी? जी बिल्कुल बच्चे, यहां पे आपको जो अष्टफलकीय रिक्तियां देखने को मिलेगी, फलकीय रिक्तियां देखने को मिलेगी, अष्टफलकीय रिक्ति देखने को मिलेगी। क्लियर सारे बच्चों को? ठीक है, समझ आया। जो कोने पर, ठीक है, कोने पर अष्टफलकीय रिक्तियों के कोने पर क्या मिलेगा बेटा, सीएल माइनस चार्ज मिलेगा। और बच्चे क्या मिलेगा मेरे को इसके किनारे पर, ठीक, कोने और किनारे अलग अलग चीजें बच्चे, किनारे पर जो है एन ए प्लस चार्ज मेरे को देखने को मिलेगा, एन ए प्लस चार्ज। सारे बच्चे समझ पाए? अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। देखो अष्टफलकीय रिक्ति मेरे को मिलेगी कैसे, ये आपको समझ आया होगा। अब बच्चा इसको किनारे की बात करो, सॉरी कोने की बात करो, तो यहाँ पे मेरे को सीएल माइनस चार्ज देखने को मिलेगा। क्या बच्चा? सीएल माइनस चार्ज देखने को मिलेगा। और इसके किनारे पर बच्चे इसमें अंतरकाशीय रिक्तियां होती, तो इस अंतरकाशीय रिक्तियों में मेरे को सोडियम प्लस चार्ज देखने को मिलेगा, सोडियम प्लस चार्ज मेरे को देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर वापस से अच्छे तरीके से बताते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। रेड कलर का ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे को अभिकर्ण इस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है। देखो देखो देखो, एक फेज अपन ये बना, पहला फेज, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पहले स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सपोज करो मैंने क्या बोला, इस किनारे पर मेरे को मिलेगा सीएल माइनस चार्ज, सीएल माइनस चार्ज मिल रहा है, ठीक है। अब इस रियल माइनस चार्ज में तो हमको जो Na+ कहां पे मिलेगा सर? Na+ ना बेटा यहां इस किनारे के केंद्र पर मिलेगा, किनारे के केंद्र पर Na+ चार्ज मिलेगा, ठीक है, किनारे के केंद्र पर Na+ चार्ज मिलेगा। उसी प्रकार के बच्चे यहां पे पूरा का पूरा एलिमेंट मिलेगा, तो यहां पे क्या मिलेगा, Cl- चार्ज किनारे के केंद्र पर Na+ चार्ज, यहां पे Cl- चार्ज किनारे के केंद्र पर Na+ चार्ज। इस प्रकार से मेरे को व्यवस्था देखने को मिलेगी किसके लिए, NaCl के लिए, NaCl के लिए इस तरीके से संरचना देखने को मिलेगी, संरचना देखने को मिलेगी। सारे बच्चे समझ पाए? मजा आया सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछने वाली जो बात होती है बेटा, क्या पूछते हैं यहाँ पे, समन्वय संख्या पूछते हैं। क्या बच्चा? समन्वय संख्या, समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या जो होती है NaCl की, NaCl की वो कितनी होती है वो पूछते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट थिंग ये है। अब इसको जो है आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो, याद रखना है क्या, समन्वय संख्या इसकी बच्ची क्या होती है, छह होती है, समन्वय संख्या छह होती है, ये आप लोग याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो। लेकिन सर रट्टा मार तो लेंगे, लेकिन समझेंगे कैसे, तो वही समझाने के लिए मैं हूं बच्चे, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो भैया यहां पे मेरे को सीएल माइनस चार्ज मिल रहा है, यहां पे मेरे को सीएल माइनस चार्ज मिल रहा है, ठीक है। समन्वय संख्या क्या होती है, एक अवयवीकरण से कितने अवयवीकरण जुड़े रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, वही हमारी समन्वय संख्या होती है, सिंपल सी बात है। तो भैया यहां पे सीएल माइनस चार्ज एक है, तो इसको अगर मैं बढ़ाऊं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो बड़ा करने पर मेरे को क्या मिलेगा बच्चा, देखो ठीक है, इस तरीके से अपन जो एक जो है एक यूनिट सेल बनाते हैं, पहला यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो ये Cl माइनस चार्ज है, Cl ये मेरा माइनस, ये ले लेते हैं, Cl माइनस चार्ज है। अब इसके एक एक कोने पर बच्चे यहां पे मेरे को सोडियम प्लस चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये किनारे के केंद्र पर है, किनारे के केंद्र पर है, तो मेरे को सोडियम प्लस चार्ज मिला यहां पे, ठीक है, यहां पे मिला। अब ये Cl माइनस चार्ज है, इसके आसपास भी यहां इस वाले कोने पर Na प्लस चार्ज मिलेगा, क्योंकि हमको पता है जो Na होता है वो किनारे के केंद्र पर होता है, हमने अष्टफलकीय रिक्तियों के भी बात किए हुए हैं, ठीक है, समझ आया। अब देखो ये Cl माइनस चार्ज किया, इस वाले कोने पर जो है Na प्लस चार्ज होगा सर, बिल्कुल बच्चे यहां पर Na प्लस चार्ज होगा, एक दो और तीन, इस वाले कोने पर Na प्लस चार्ज होगा, ठीक है, Na प्लस होगा, ये चार हो गए सर, कितने चार हो गए। अब इस चार है भैया, तो इसके ऊपर, इसके ऊपर मेरे को एक और फेज, सॉरी एक और यूनिट सेल तो रहेगा ना, अपन लोग समन्वय संख्या में, इसके ऊपर सपोज करो भैया कि इसके ऊपर अपन को एक और यूनिट सेल मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपन को एक और यूनिट सेल मिल रहा है, तो इस यूनिट सेल की किनारा भी तो होगा ये किनारा, तो यहां पर भी Na प्लस चार्ज होंगे। अब इसके नीचे भी Na प्लस चार्ज है, इसके ऊपर भी Na प्लस चार्ज है, तो कितने हो गए भैया, देखो एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब इसके सामने भी तो बच्चा, इसके सामने ऐसे 3D में, इसके सामने ऐसे 3D में Na प्लस चार्ज होगा, वहां पे भी तो किनारा होगा, वहां पे भी किनारा होगा, तो वहां पे भी एक Na प्लस चार्ज आ सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल सारे बच्चों को समझ आया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं बोलूं बच्चा, तो मेरे को जो है सोडियम जो होता है एक Na प्लस चार्ज जो होता है, ठीक है, एक Na प्लस चार्ज जो है जो 6 Cl माइनस चार्ज से जो है घिरा रहता है, क्या होता है, एक Na प्लस चार्ज जो है 6 Cl माइनस चार्ज से घिरा रहता है। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूं कि एक Cl माइनस चार्ज जो होता है वो 6 जो बेटा Na प्लस चार्ज से घिरा रहता है,
ठीक है, सिक्स सॉरी इसको अपन जो है ऐसे कर सकते हैं, सिक्स सीएल जो है एक सिक्स एन ए प्लस चार से घिरा रहता है, और जो बेटा जो सिक्स एन ए प्लस चार जो सिक्स सीएल माइनस चार से, और सिक्स एन ए सीएल चार जो है सिक्स एन ए प्लस चार से गिरा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूं इसकी जो समन्वय संख्या है वो क्या होने वाली है, सिक्स होने वाली है। क्या बच्चे? समन्वयन संख्या, ठीक है, समन्वयन संख्या जो होती है, समन्वयन संख्या वो जो है छह होने वाली है। क्या बच्चा? छह, छह जो है होने वाली है। सारे बच्चे समझ आए? इसका अगर मैं अनुपात की बात कर दूं तो बेटा वन रेशियो वन होगा, इसके अनुपात की अगर मैं बात कर दूं तो वन रेशियो वन होगा। तो इस प्रकार से बच्चे हम जो पूरी एनएससीएल का स्ट्रक्चर बहुत ही गजब तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको याद रखना है। अगर किसी बच्चों को मेरा नोट्स चाहिए होगा, ठीक है, मैं जो चीजें बताता हूँ वो नोट्स के अंदर होते हैं बेटा। अगर किसी बच्चों को नोट्स चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो मेरा नोट्स, और उसको जो है एज इट इज अपने कॉपी में भी उतार सकते हो, इसको एग्जाम्स में लिख भी सकते हो, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से हमारा जो वीडियो लेक्चर है बेटा समाप्त तो होता है। आने वाले लेक्चर के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रसगुल्ला टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए बच्चे हम जो है विदा जाते हैं, धन्यवाद।